अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ झटपट से बनने वाली आलू पराठे की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। आटे को बिना गूंधे बहुत सारा पराठा आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। इसके साथ एक चटनी बनाएंगे जो कि बहुत ही जायकेदार होती है, तो इस रेसिपी को ट्राई करिए। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम दो उबले हुए आलू ले लेंगे। मैंने यहाँ पर बड़ी साइज़ के दो आलू ले लिए हैं जिनको उबाल लिया है। इनको सबसे पहले हमें ग्रेट करना है। आप चाहे तो हाथों पर हल्का सा मसल कर ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर दोनों आलू को अच्छे से ग्रेट करके डाल दिया है। अब इसमें डालेंगे व्हीट फ्लोर, गेहूं का आटा हम इसमें डालेंगे क्योंकि हेल्दी रेसिपी बना रहे हैं। मैंने इसमें तकरीबन 2 कप गेहूं का आटा ले लिया है। तो आलू के साथ हम इसमें आटे को डाल देंगे। इसमें कुछ मसाले पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, और इसी के साथ हम इसमें नमक डालेंगे 1 टीस्पून। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें मिलाइएगा। 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे अजवाइन, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप स्किप कर सकते हैं। कलौंजी ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, और मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून, अदरक का पेस्ट 1/2 टीस्पून, ग्रीन पेस्ट हरी मिर्च का पेस्ट 1/2 टीस्पून। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें स्किप कर सकते हैं हरी मिर्च, और थोड़ा सा हरा धनिया इसमें डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें इनको अच्छा सा बैटर बना लेना है। बिना आटे को गूंधे हुए हम इनको पराठा तैयार करेंगे जो कि बहुत ही जायकेदार होता है। तो इसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे, अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे इसमें, एक साथ पानी नहीं ऐड करना है वरना इसमें लम्स पड़ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके अच्छे से तकरीबन 1.5 कप पानी ऐड किया है और इनको एक अच्छा सा घोल बना लिया है। इसमें लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून, और थोड़ा सा कसूरी मेथी हाथों पे अच्छे से मसल कर ऐड करेंगे। आटे के मिक्सचर को हम दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही अच्छे से हमें इनको मिक्स कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, न ज़्यादा गाढ़ा और ना ही बहुत ही पतला रखना है। बिल्कुल इसी तरीके से रखना है कि हाथों पे अच्छे से लग जाना चाहिए बैटर। 5 से 10 मिनट के लिए इनको ढककर रखेंगे रेस्ट करने के लिए, जब तक हम चटनी तैयार करेंगे जो कि पराठे के साथ ज़बरदस्त लगती है। पैन में डालेंगे 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, तेल को अच्छे से गर्म कर लें। इसमें डालेंगे चुटकी भर हींग, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। यहाँ पर मैंने सफ़ेद उड़द की दाल ले लिया है, तकरीबन 1 टेबल स्पून है। सौंफ 1 टीस्पून, और इसी के साथ इसमें डालेंगे ज़ीरा 1 टीस्पून। इन सारे मसालों का फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है, तो इनको 1 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे जब तक इसमें से अच्छी सी खुशबू ना आने लग जाए। यहाँ पर अच्छे से भून चुका है, तो मैं इसमें डाल रही हूँ 8 से 9 लहसुन की कलियाँ और 3 खड़ी लाल मिर्च। खड़ी लाल मिर्च की जगह आप इसमें चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं 1 टीस्पून। तो यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज को चॉप करके ऐड कर दिया है। प्याज को अच्छे से सॉफ्ट होने तक हमें फ्राई करना है। जब ये सॉफ्ट हो जाए तो इसमें डालेंगे 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो आप 3 टमाटर ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून नमक, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें नमक मिलाइएगा। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आप चाहे तो हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। तो सबको अच्छे से सब्ज़ियों को मिक्स कर लेते हैं। इन्हें 1 मिनट तक अच्छे से ढककर पका लेंगे जब तक ये टमाटर सॉफ्ट ना हो जाए। हमें बहुत ही ज़्यादा कलर नहीं लाना है। हल्की सी सॉफ्ट होने के बाद गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। यहाँ पर जो चटनी का मिक्सचर है वो तैयार हो चुका है। ठंडा करने के बाद ही मिक्सी के जार में इनको डालकर अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं या आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, इससे हमारे चैनल की रीच बढ़ेगी। इसमें डालेंगे 1/2 कप हरा धनिया और 1 लेमू का रस, अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पर हमारी जो चटनी है आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बनके तैयार हो चुकी है। तो इनको साइड में रखेंगे। आइए हम आटे की तरफ चलते हैं जो हमने रेस्ट करने के लिए रखा था। आटा काफ़ी अच्छे से घुल चुका है। जितनी देर हम रेस्ट करने के लिए रखेंगे उतना ही ज़बरदस्त पराठा हमारा बनके तैयार होगा। पराठा बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है, आप चाहे तो तवे पर भी इन्हें बना सकते हैं पराठे को। इसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल और अच्छे से ग्रीस कर लेंगे पैन को ताकि चिपके नहीं पराठा हमारा। और इसमें से हम 2 बड़े चम्मच पराठे के मिक्सचर को ऐड करेंगे।
अगर आप मोटा बनाना चाहते हैं तो आप इसमें मिक्सचर और भी ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से हमें हल्का सा पराठे की शेप में फैला लेना है, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है। मीडियम साइज़ का जिस तरीके से पराठा बनता है उसी साइज़ का हमें बनाकर रख लेना है और इनको ढककर भी पका लेंगे। जब साइड से हल्का सा ये सेट हो जाए उसके बाद हम पलट देंगे। एक साइड अच्छे से फ्राई हो चुका है तो मैं इसकी साइड भी चेंज कर लूँगी। पराठा अगर मोटा रहता है तभी खाने में मज़ा देता है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा मोटा पराठा बना रही हूँ। आप चाहे तो इनको चपाती की तरह पतला भी बना सकते हैं। दूसरी साइड भी मैं ऑयल से हल्का सा ग्रीस कर लूँगी और इनको सेकते हुए हमें पराठे को अच्छे से बना लेना है। यहाँ पर देखिए काफ़ी अच्छे से थोड़ा थोड़ा फूल रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त आलू का पराठा इस तरीके से आपको तैयार कर लेना है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिए, बहुत ही यूज़फुल रेसिपी है, झटपट सी बन के तैयार हो जाती है। स्कूल की टिफ़िन बॉक्स में भी आप इस रेसिपी को झटपट सा बनाकर दे सकते हैं। पराठे को मैंने इस तरीके से सेक कर बना कर रख लिया है और इनको चटनी के साथ खाए बहुत ही मज़ेदार लगती है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। इस तरीके से मैं आपके लिए और भी मज़ेदार रेसिपी लाती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।